अशोक गहलोत ने लॉकडाउन को लेकर समीक्षा की है। राज्य में 21 अप्रैल से लागू होगा मॉडिफाइड लॉकडाउन। ग्रामीण एवं औद्योगिक क्षेत्रों में शुरू होगा उत्पादन। 20 अप्रैल के बाद इंडस्ट्री को शुरू करने का दिया निर्देश। प्रवासी और स्थानीय मजदूरों को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री निवास पर उच्च स्तरीय बैठक में सीएम ने निर्देश दिए हैं, जिन इंडस्ट्रियों में मजदूरों के रहने की व्यवस्था हो उनको अनुमति दी जाएगी। राज्य के अन्य सरकारी कार्यालय भी खुले रहेंगे, चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे राज्य के कार्यालय। ये बात कही गई है। ग्रुप ए और बी में अनुपस्थिति कर दी जाएगी अनिवार्य। ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को आना होगा अनिवार्य। सभी जगह होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। साथ ही सार्वजनिक निर्माण और सिंचाई के काम भी शुरू होंगे। हॉटस्पॉट वाले इलाकों पर सख्ती बरती जाएगी। कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार की गाइडलाइन की पालना की जाएगी। साथ ही राज्य सरकार महामारी से बचाव के लिए चाक चौबंद है। आमजन के हितों की रक्षा होगी। आर्थिक गतिविधियों को सुचारू करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक में CSDB गुप्ता, ACS होम राजीव स्वरूप और ACS चिकित्सा रोहित कुमार सिंह भी मौजूद रहे। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी फोनलाइन पर मौजूद हैं। जी नीरज सर, क्या कुछ अपडेट है? रिव्यू किया गया है, मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, किस प्रकार से लॉकडाउन के दौरान काम किया जाएगा, किस प्रकार से उद्योग धंधों को चालू कराया जाएगा? आपको कि कल से उम्मीद लगाई जा रही थी कि राजस्थान में मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होगा और इसको इंतजार था। सबसे बड़ी बात है कि जब से मोदी जी ने घोषणा की थी कि लॉकडाउन की 3 मई तक रहेगा, उसके बाद से लगातार इस बात की चर्चा थी कि राजस्थान में मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होने वाला है। इसको लगातार लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार बैठकें ले रहे थे और आज भी जो उच्च स्तरीय बैठक हुई, उस बैठक के बाद निर्णय हुआ कि राजस्थान में 21 अप्रैल से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होगा और इसके तहत ग्रामीण और जो इंडस्ट्रीज के जो है उनमें काम शुरू होगा। सबसे खास बात है कि ग्रामीण इलाकों में सभी तरह के काम शुरू होंगे और शहरों में जो फैक्ट्रियां हैं, जिन फैक्ट्रियों में मजदूरों के रहने की जगह है, उन फैक्ट्रियों को चालू करने की अनुमति दे दी जाएगी। 20 अप्रैल के बाद में जिला कलेक्टर और रिको के जो अधिकारी हैं उन फैक्ट्रीज को अनुमति दे देंगे। इस अनुमति के बाद में जो प्रवासी मजदूर है, जो स्थानीय मजदूर है, उन लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही कृषि क्षेत्र में जो अनुमतियां दी गई है उनमें और रियायतें दी जाएगी, जो मंडी तक अपना माल किसान आसानी से बेच सकेगा, ला सकेगा और बीजों की बिक्री हो सकेगी, तो किसानों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। इसके साथ ही चरणबद्ध तरीके से सरकारी कार्यालय खोलने की बात भी इस मॉडिफाइड लॉकडाउन में कही गई है, जिसमें कहा गया कि अलग अलग कार्यालयों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बड़ी चुनौती रहेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही उन्होंने सार्वजनिक निर्माण और सिंचाई के कामों में भी रियायत की बात कही है। उनका जो मॉडिफाइड लॉकडाउन है उसके तहत जो निर्माण कार्य हैं वो शुरू होंगे, सिंचाई के काम शुरू होंगे, लेकिन हॉटस्पॉट वाले स्थानों पर सख्ती बरती जाएगी। साफ मॉडिफाइड लॉकडाउन में भी साफ कहा गया है कि जो हॉटस्पॉट बन चुके हैं या जहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है कोरोना को लेकर, उन स्थानों पर किसी भी तरह की राहत या छूट नहीं मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इस मॉडिफाइड लॉकडाउन में यह भी कहा है कि राजस्थान सरकार केंद्र सरकार की गाइडलाइन की पालना करेगी और केंद्र सरकार की पालना के अनुसार ही इन जो क्षेत्र है इनमें सशर्त जो है काम करने की अनुमति दे रही है। मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया जा रहा है जिससे कि लोगों को रोजगार भी मिल सके, जो परेशानियां उनसे बचाव भी हो सके। इसके साथ ही आम जन के हितों की रक्षा की बात भी मॉडिफाइड लॉकडाउन में कहा गया है। राजस्थान सरकार के बारे में कहा कि राजस्थान सरकार इस कोरोना की बीमारी से बचाव के लिए पूरी तरह चाक चौबंद है। पूरा विभाग, तमाम जो चाहे चिकित्सा विभाग हो चाहे दूसरे विभाग हो, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश की जनता से भी अपील की है कि वो अपने घरों में रहें और सरकार का सहयोग करें। उनके घरों में रहने से ही कोरोना को हराया जा सकता है। सबसे खास बात है कि इस मॉडिफाइड लॉकडाउन के लागू होने से राज्य के बहुत बड़े वर्ग को जो परेशान था, कहीं ना कहीं रोजगार को लेके जो परेशान था, कहीं ना कहीं पैसों की कमी के चलते जिसको कहीं ना कहीं जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, सरकार को उनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी पड़ रही थी, भामाशाहों को आगे आना पड़ रहा था, इन इंडस्ट्रीज के चालू होने से उनको रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो ये तमाम समस्याओं का निपटारा होगा। आशीष जी, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी, जिन्होंने लेटेस्ट अपडेट दी किस प्रकार से सरकार रिव्यू कर रही है और मॉडिफाइड लॉकडाउन को लागू करेगी। रुक करेंगे।